वेलकम टू मूवीज बकेटलिस्ट एक्सप्लेन्ड तो आज मैं द लॉकडाउन हॉन्टिंग्स मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जिसे डायरेक्ट किया है हॉवर्ड फोर्ड ने इस मूवी की IMDb रेटिंग है फोर आउट ऑफ टेन जो कि काफी फ्लक्चुएट हो रही है ये मूवी सी नाइनटीन के लॉकडाउन सिचुएशन पर बेस्ड है जिसे हॉरर का एक टच दिया गया है तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं फिल्म की शुरुआत होती है जॉर्डन मायर्स के एक वीडियो मैसेज से जिसमें वो बताता है कि लॉकडाउन की वजह से सारी गलियां और घरे खाली पड़े हैं इसके साथ ही लोग बहुत डरे हुए और गुस्से में भी है इन सब की वजह से मरे हुए स्पिरिट्स को बाहर आने का मौका मिल चुका है कुछ स्पिरिट्स अच्छे और कुछ बुरी है जो इस लॉकडाउन का फायदा उठाएंगी इसलिए हम सबको पॉजिटिव रहना चाहिए और जो लोग इन स्पिरिट का सामना कर रहे हैं उन लोगों को हेल्प करना चाहिए इसके बाद हमें पता चलता है कि लॉकडाउन का फर्स्ट वीक शुरू हो चुका है सबसे पहले एमी नाम की लड़की अपने घर में किसी से बात कर रही होती है और वो फोन पे बताती है कि वो सब कुछ हेल्दी खरीद के लाई है लेकिन असल में वो सिर्फ वाइन्स की बॉटल खरीद के लाई थी जब वो फोन पे बात कर ही रही होती है तो सडनली काउंटर के ऊपर पड़ा बाउल खुद ही हिलने लगता है और उसके बाद वो खुद ही वहां से उड़कर गिर जाता है अगले सीन में निकोल अपनी मॉम से बात कर रही होती है उसकी मोम उसे बताती है कि वो बीमार है और उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि निकोला को भी अस्थमा है फिर हमें डिटेक्टिव जॉर्ज दिखती है जो सर क्लाक से बात कर रही होती है वो फोन पे ये बात करते हैं कि जॉर्ज को अभी अगले कुछ दिनों तक आइसोलेशन में रहना चाहिए क्योंकि एक क्रिमिनल जिसका नाम स्पिटर दिखाया गया है वो खुद इस वायरस से इन्फेक्टेड था और उसने डिटेक्टिव जॉर्ज पर स्पिट कर दिया जिस कारण वो भी इस चीज़ से इन्फेक्ट हो गई रात को जब एमी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर ही रही होती है तो वो उसे दोपहर में हुई इंसिडेंट्स के बारे में बताती है फिर उसका बॉयफ्रेंड बेन उसे कहता है कि हो सकता है कि उसने ज़्यादा ड्रिंक कर ली हो जब वो इस बारे में बात कर ही रही होती है कि तभी उसका ड्रॉवर अपने आप खुल जाता है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपना कॉल रख कर उस ड्रॉवर को बंद कर देती है लेकिन वो वापस खुल जाता है और मुड़ते ही वहा सामने उसे एक आदमी नाइफ लेके खड़ा हुआ दिखता है जब वो लाइट ऑन करती है तो वो आदमी अचानक गायब हो जाता है लेकिन नाइफ अपने आप हवा में उड़ रही होती है और वो खुद उसकी तरफ आ जाती है लेकिन आमी टाइम पर दरवाज़ा बंद कर लेती है और डरते हुए अपने बॉयफ्रेंड बेन को कॉल करती है उसी वक्त उसके रूम में पड़ी एक बेल्ट खुद ही उड़ने लगती है और आमी का गला घूट उसे मार देती है इसके बाद सीन कोल पे शिफ्ट होता है जब वो फिर से अपनी मॉम से बात कर रही होती है क्योंकि अब उसके डैड भी बीमार पड़ने लगे थे अब कोल अपने घर जाके सारे काम खत्म करती है लेकिन उसके सामने कुछ ऐसे विजुअल्स आते हैं जिनके बारे में सोच के वो डर जाती है इसके बाद जॉर्ज केस की डिटेल देख रही होती है जो किसी और की नहीं बल्कि एमी की होती है तभी उसको एमी के आम पर एक्स वाई लिखा नजर आता है जिसपे किसी का भी ध्यान नहीं गया होता फिर सीन एक मॉडल कैट पर शिफ्ट होता है कैट वीडियो कॉल पे पेवल से बात कर रही होती है पेवल उसको रशिया से ब्रिटेन में लेके आया था और लॉकडाउन की वजह से उनके सारे शूट्स और फैशन ट्रिप्स कैंसिल हो गए थे इस पर पे कैट पेवल से बात करना चाहती थी लेकिन पेविल उसकी एक ना सुनकर वहाँ से चला जाता है कैट के पास अब पैसे नहीं थे और वो नहीं जानती थी कि कैसे अब वो सारे खर्चे पूरे करेगी इसके बाद हम देखते हैं कि इसके साथ भी स्ट्रेंज इंसिडेंट्स होना शुरू हो जाते हैं जब वो घर आती है तो दरवाजे खुद ही हिलने लगते हैं वहाँ यही सब कैट के साथ साथ डेल्फिन नाम की एक लड़की के साथ भी हो रहा था इसके बाद डेल्फिन अपने बॉयफ्रेंड को अपने इंसिडेंट्स के बारे में बता रही होती है कि कैसे दरवाजे खुद ही खुल गए और दूसरी तरफ कैट बालकनी में खड़ी होती है जबकि उसके पीछे दरवाजे भी खुद ही खुल जाते हैं और एग्जैक्ट वही चीज़ उन दोनों के साथ होती है कैट जब अंदर आती है तो चीज़ें अपने आप हिलने लगती है और इधर उधर गिरने लगती है वही सब डेल्फिन के साथ भी हो रहा था इसके बाद दोनों को कोई ईविल स्पिरिट गला घोट के मार देती है और दोनों के कबट पे एक्सवाई लिखा मिलता है अब अगले दिन सर क्लार्क इन दोनों इंसिडेंट्स के बारे में जॉर्ज को इन्फॉर्म करते हैं और बताते हैं कि ये दो केस भी ऑलमोस्ट सिमिलर है और उनमें से एक लड़की के बॉयफ्रेंड ने पुलिस को इन्फॉर्म किया जैसे कि एमी के केस में किया था फिर हमें एक नई कैरेक्टर एंजेला को दिखाया जाता है वो भी अपने घर में अकेली थी और उसके घर के सामने किसी ने एक पार्सल रख दिया होता है वह इस सबके बारे में अपने डैड को बता ही रही होती है तो उसके रूम में चीजें हिलने लगती है जिससे वह बहुत डर जाती है फ्रिज में से दूध का पैकेट खुद गिर जाता है और देखते ही देखते बेड खुद ब खुद मूव करने लगती है इन सब से वो डर जाती है और रोने लगती है वो ये सब अपने फादर को बताती है जिसपे वो कहते हैं कि शायद जायज उसे तंग कर रही है इसके बाद सीन रेचल पे शिफ्ट होता है रेचल जो की जॉर्ज की गर्लफ्रेंड है दोपहर को जॉर्डन मेयर्स की वीडियो देख रही होती है जिसमें वो फिर से वही बताते हैं कि इवल स्पिरिट्स अब बहुत पावरफुल हो गई है इसके साथ ही रेचल इसपे नोट्स भी बना रही थी जब वो उठ के खिड़की की तरफ खड़ी होती है तो उसकी नोटबुक से एक पेज खुद ही हिलने लगता है लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो पेज खुद ब खुद नीचे आ जाता है वो इन सब के बारे में जॉर्ज को बताती है जो उसने जॉर्डन मेयर्स से सुना होता है लेकिन जॉर्ज इन सब को मानने से इनकार कर देता है जॉर्ज को लगता है कि ये सब पागलपन है और गोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते लेकिन रिचिल जॉर्ज को वो वीडियो देखने का लिंक सेंड करती है और कहती है कि उसे ये जरूर देखना चाहिए फिर हम ओलिविया को देखते हैं जो कि एक योगा ट्रेनर थी वो भी अपने बॉयफ्रेंड को दरवाजे के खुद खुलने के बारे में बता रही होती है उसको बाहर किसी की प्रेजेंस फील होती है जब वो बाहर जाती है तो एक एंटिटी पहले उसका गला दबाकर फिर उसके गले में सीजर डालकर उसे मार देती है इसके साथ ही एंजला अपने किचन में स्मूदी बना रही होती है कि मिक्सर खुद ही चल जाता है और वो भी बहुत रोने लगती है और इसके बाद कोई उसके गले में नाइफ मार के उसे मार डालता है अब जॉर्ज जॉर्डन में उससे बात कर रही होती है जिसमें वो उससे स्पिरिट के बारे में बताता है वो कहता है कि स्पिरिट्स पावरफुल हो गई है और वो लोगों को मार रही है लेकिन हमें उन्हें ग्रेस के साथ ट्रीट करना चाहिए क्योंकि ग्रेस ही है जिसकी वजह से सब कुछ शुरू हुआ है जॉर्ज जॉर्डन से कुछ और सवाल करना चाहती थी लेकिन उसके घर में चीजें यहाँ वहाँ गिरने लगी थी और बार बार कह रही थी कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा रात को जॉर्ज पुलिस नेटवर्क पेंट डेट्स के बारे में रिसर्च कर रही होती है उसे लिंडन रॉबिन्स का पता चलता है लिंडन रॉबिन्स एक सीरियल किलर था जो ऐसे ही लोगों को डरा के मार दिया करता था वो लोगों के दिमाग से खेलता था उसके विक्टिम हमेशा लड़कियां ही होती थी वो उनके घर में दिन भर रहता था और उनकी चीज़ें फेंक के उन्हें डराता था और एंड में गला घोट कर मार दिया करता था वो अक्सर उनकी बॉडी या किसी जगह एक्सवा लिखता था और यही सेम चीज़ उनके रिसेंट केसेस में होती है लेकिन लॉकडाउन के पहले दिन ही जेल में उसकी मौत हो गई जॉर्डन में मरने से पहले जॉर्ज को एक एडमिन का नंबर देता है जिसका नाम डॉक्टर मैक्सवेल था वो कहता है कि मैक्सवेल ही उनकी मदद कर सकता है और वो बहुत एक्सपर्ट है इन सब चीज़ों में उसी वक्त सीन में पे शिफ्ट होता है जिसमें वो पांच स्टोन को टेबल पे रखता है और स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और उसी वक्त एक स्टोन हिलने लगता है और इसके साथ ही वहां रखी रोलिंग चेयर भी जोर जोर से हिलने लगती है अगले सीन में निकोल अपनी मॉम से फोन पे बात कर रही होती है तो तभी उसके रूम में चीजें हिलने लगती है और उस उसपे वो स्पिरिट बुक फेंकती है इन सबसे डर के वो बाहर भाग जाती है और पुलिस को फोन करती है वो पुलिस को अपना एड्रेस और डिटेल्स बताती है लेकिन पुलिस को ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रही है जिससे कि वो फोन काट देती है और निराश होकर वापस अपने घर चली जाती है अब वो ड्रॉर बंद कर रही होती है कि उसका हाथ उसमें अटक जाता है जब जॉर्ज मैक्सवेल से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है तो मैक्सवेल उसे कहता है कि स्पिरिट्स हमारे फियर पर फीड करती है अगर इनको अटेंशन चाहिए तो ये अटेंशन के लिए कुछ भी करेंगे और इसलिए वो पावरफुल होती है बट इनको एक चीज कमजोर कर देती है वो है लव एंड फॉरगिवनेस पर जॉर्ज बहुत गुस्सा होती है उसे लगता है कि ये जो स्पिरिट्स लोगों को मार रही है उसे लव कैसे दिया जा सकता है रात को सर क्लाक सो रहे होते हैं तो उनके कमरे में अचानक से नौ साल का बच्चा आ जाता है जिसे देख के वो उससे डर के माफी मांगते हैं अगली सुबह सर क्लाक जॉर्ज को मिलने बुलाते हैं जब जॉर्ज वहाँ जाती है तो वो उससे केस के बारे में पूछते हैं फिर वो उसे अपने रात के इंसिडेंट के बारे में बताते हैं असल में सर क्लार्क जब एक यंग डिटेक्टिव थे तो उन्होंने एक सस्पेक्ट को पकड़ते पकड़ते एक नौ साल के लड़के को हिट कर दिया था जिसके वजह से उसकी वह मौत हो गई रात को उसी लड़के का घोस्ट उनके पास आया था जब उन्होंने उससे माफ़ी मांगी तो उस लड़के ने उन्हें माफ़ कर दिया और कहा कि वो अब खुद को भी माफ कर दे ताकि वो ये दुनिया छोड़ के जा सके इसके साथ ही वो लड़का वहाँ से गायब हो जाता है ये सब सुनकर जॉर्ज उनसे कहती है कि उनको केस की लीड मिली है क्योंकि वो आत्माओं से रिलेटेड थी इसलिए वो उनको बताना नहीं चाहती थी नेक्स्ट सीन में कैरेक्टर विक्टोरिया को दिखाया जाता है जो एक सलोन में काम करती थी उसको अपने घर में एक आदमी का घोष दिखाई देता है लेकिन वो इन सबको इग्नोर कर देती है उसी वक्त कोल अपने मॉम से बात कर रही होती है और बताती है कि जो आदमी जिसने उसे असोल्ट किया था वो वापस आ गया है जिसपे उसकी मॉम कहती है कि वो मर चुका है लेकिन तभी उन्हें स्क्रीन पे कोल के पीछे एक घोस्ट खड़ा दिखाई देता है जिसके बारे में वो उससे बताते हैं कोलिन सबसे डर कर घर से बाहर चली जाती है लेकिन वहाँ कोई भी उसकी मदद नहीं करता रात को विक्टोरिया जब सो रही होती है तो एक स्कार फूड के विक्टोरिया के पास आ जाता है और एक आदमी की स्पिरिट उसकी जान ले लेती है अगले दिन जॉर्ज लिंसन रॉबिन्स के भाई इयान रॉबिन्स से मिलती है उसको ये लगता है कि शायद ये मर्डर ईयान कर रहा है लेकिन ईयान अपने घर में पिछले तीन साल से कैद था और यह ईयान एक बहुत बड़ा खुलासा करता है कि लिंडसन पास्ट में शहरडाउन नाम के स्कूल में पढ़ता था वो एक हॉस्टल में रहता था और वहाँ एक टीचर हर रोज़ नशे की हालत में लिंडसन का रेप किया करता था इन सब की वजह से ही लिंडसन ऐसा हो गया और लोगों को मारने लगा ये सब सुन के जॉर्ज भी बहुत उदास हो जाती है और उसके फ्लैशबैक विजन से हमें पता चलता है कि वो खुद भी मॉलिस्टेशन का शिकार रह चुकी है दोपहर में कोल को जॉर्ज का भेजा हुआ एक ईमेल मिलता है क्योंकि कोल लिंडसन के अटैक की अकेली ऐसी विक्टिम थी जो जिंदा बच गई थी जब कोल जॉर्ज से बात कर रही होती है और उसे इससे बचने की चीज़ें बता रही होती है कि तभी लिंटसन वहाँ आके कोल का गला दबाने लगता है लेकिन फोन स्पीकर पे होने के कारण कोल ये सब सुन लेती है और वो लिटसन को कहती है कि इस सब में उसकी कोई गलती नहीं ये सब सुन के लेंसन कोल को छोड़ देता है वो उसे कहती है कि जो हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं और जो हुआ वो अब जा चुका है उसी वक्त क्लाक जॉर्ज को निकोल के बारे में बताता है कि उसने भी सिमिलर एक्सपीरियंस किया है वो जाके उसको बचाए अब रात को जब निकोल अपनी मॉम से बात करते वक्त उनकी तबीयत की चिंता करती है क्योंकि उन्हें भी वायरस से इन्फेक्ट होने के सिम्टम्स आने लगते हैं वो अपने आप को शांत कर रही होती है लिंसन उस पर भी हमला कर देता है लेकिन निकोला को अपनी मॉम के वर्ड्स याद आ जाते हैं और वो बहुत ब्रीफली उसका सामना करती है इसके इसके बाद बाद वो वो उससे उससे कहती है है कि वो डरती नहीं और इसके बाद उसे छोड़ के चला जाता है। अगले सीन में जॉर्ज वहां पे पहुंच के निकोला को चेक करती है रात को रही चल निकोला को सुला के लिविंग रूम में टीवी देख रही होती है और तभी लाइट्स फ्लिकर करने लगती है टीवी बंद हो जाता है दूसरी तरफ निकोला की चीखने की आवाज आती है जब रेचल निकोला को बचाने जाती है तो चीजें खुद ही इधर उधर गिरने लगती है इन सब से बचकर रेचल निकोल को अपने मॉम डैड के घर ले जाती है और जॉर्ज को एक वॉइस मैसेज भेज देती है जॉर्ज जब यह को सुनती है तो उसे भी किसी स्पिरिट का एहसास होता है और वो लिंसन से पूछती है कि उसे क्या चाहिए तब उसके पेट पे पेन से खरोच देता है जिसमें लिखा होता है एंडस यहाँ होता है असली खुलासा असल में लिंटन और जॉर्ज को मोलस करने वाला एक ही टीचर था उसकी बॉय स्कूल से पोस्टिंग गर्ल स्कूल में हो गई थी इसका पता लिंसन को जॉर्ज के पुराने फोटोज को देख पता चलता है और फिर वो उसे लैपटॉप में न्यूज दिखा के उसे बताता है कि उनका हेडमास्टर ही था जो उन दोनों को रेप किया करता था एक्स वाई का लिखना भी इसी से कनेक्टेड था और हेडमास्टर के अकॉर्डिंग उस टीचर को अभी तक कोई सजा नहीं हुई थी एंड में हम जॉर्ज का हाथ लिंसन के हाथ में देखते हैं और वो उस टीचर को मारने जाने वाले थे लिंटन जॉर्ज को मैनिपुलेट करके उसे अपनी ओर खींच लेता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है अब अगर मूवी को कंक्लूड किया जाए तो मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही वियर तरह से दिखाई गई है क्योंकि सच कहा जाए तो मूवी को समझने के लिए आपको इसे दोबारा देखना पड़ेगा मूवी ऐसे बहुत क्वेश्चंस भी छोड़ जाती है जिसके आंसर्स एक्चुअली कहीं भी नहीं है और सच कहा जाए तो मूवी का पूरा प्रेमाइस विलन के पर्सनल लाइफ से तो बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं था किसी वायरस के ऊपर हॉरर फिल्म बनाना बहुत मुश्किल होता है लेकिन ये मूवी उस चीज़ को डरावना बनाने में कामयाब हुई ओवरऑल ये मूवी सिर्फ़ एक वन टाइम वॉच के लिए है क्योंकि इसमें कोई भी रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है तो दोस्तों ये थी हिंदी मूवी एक्सप्लेनेशन द लॉकडाउन हॉन्टिंग्स की अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में तब तक के लिए स्टे ट्यून